नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड कार्यालय अंतर्गत लखनीपुर महेशपट्टी व महिसारी पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक के पद पर कार्यरत संजय त्रिपाठी का एक ऑडियो क्लिप विगत 3 दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण आवास सहायक संजय त्रिपाठी महिसारी पंचायत के किसी लाभुक से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। संजय त्रिपाठी यह भी कहते हैं कि उन्होंने अभी तक पूर्व में सैकड़ों पक्का मकान वाले तथा पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके लाभुकों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे चुके हैं। ग्रामीण आवास सहायक संजय त्रिपाठी के लाभुक से मोबाइल पर बातचीत करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि उसने बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित शराब का सेवन भी कर रखा है, क्योंकि बातचीत करने के क्रम में आवास सहायक की आवाज भी लड़खड़ा रही है। आवास सहायक बीच बीच में किसी व्यक्ति का नाम लेकर बातचीत करने वाले व्यक्ति के सामने अपना रौब भी झाड़ रहा है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार विगत 6 से 8 महीनों में उप आवास सहायक ने लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा जनप्रतिनिधियों के पति के सहयोग से 2 दर्जन से अधिक पक्का मकान वाले से 30,000 रुपया लेकर तथा पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ ले चुके लोगों से 40,000 से 60,000 रुपया लेकर आवास योजना का लाभ दे चुके हैं। वहीं इस तरह की घटनाओं से संबंधित उक्त आवास सहायक के विरुद्ध करीब आधा दर्जन से अधिक शिकायती आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर विजय कुमार ठाकुर को भी लाभुकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है, लेकिन आज तक एक भी आवेदन की जांच उजियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित जांच दल के द्वारा नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? वहीं इस संबंध में ग्रामीण आवास सहायक संजय त्रिपाठी का पक्ष जानने के लिए जब उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर रहने के कारण उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। वहीं इसी मामले में जानकारी के लिए जब प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर विजय कुमार ठाकुर को फोन किया गया तो उनका भी मोबाइल नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर था, जिसके बाद अनुमंडलाधिकारी दल सिंह सराय ज्ञानेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अगर किसी ग्रामीण आवास सहायक का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने तथा पक्का मकान वाले को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के बदले 20,000 रुपया रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है तो वे फॉरेंसिक जांच का विषय बनता है। अगर कोई लाभुक इसकी शिकायत लिखित रूप में कार्यालय को करता है तो ग्रामीण आवास सहायक संजय त्रिपाठी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ आवाज साहब, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम राम लखन झा के यहाँ से बोल रहे हैं, कल आप वार्ड मेंबर के यहाँ गए हुए थे ना? ये क्या दिक्कत है? महिसारी। हाँ। महिसारी। हाँ हाँ। तो उनका हम ही हैं, मतलब कहीं डेट घाना झा के यहाँ आप गए थे ना, तो हमको खबर किए थे जैसे से बात है, तो हम सोचे आपसे डायरेक्ट अगर डील करें तो ठीक नहीं रहेगा क्या, उन्हीं के मार्फत आप चलिएगा? आप भी कीजिएगा डायरेक्ट, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं के माध्यम चलेगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो मार्फत में ये है कि हम जो देंगे से आपको डायरेक्ट देंगे, वो जो देंगे से आपको कुछ ले दे के देंगे, तो जो दुनिया का दस्तूर है। नहीं, वो हमारा लिए घना जा हमारा डरा ले बहुत। अच्छा, इतना डरा गया ना, ओकरा पता है उल्टा आवाज आएगा, भयंकर डरा गए ना, तब आपको फोन कराया। हाँ हाँ। तब हम डॉक्टर डिक्लेयर बात की आपसे, आप भी आइएगा तैयो, उनके सामने में कीजिएगा तैयो, जब बात भए गेले घना नन जाके हम चाम न चलेबे, जितना बात भए गेले वह बात होते। ओ तो माने आप 20 लीजिएगा, 15 दिन में सब काम खत्म करा दीजिएगा, सही ना? ना तो 15 दो ना 30 दिन। ओ 30 दिन लीजिएगा। अच्छा, तोरा आय रूपा दलियो, दो या दिन में गिट्टी बालू सीमेंट खरीद के आना, घर बना गेलो, बोलो।
हाँ वैसे आजकल ठेकेदारी का अरे सबके नियम कायदा है ना, आज ब्याह कर लिए दो दो या दिन में बच्चा पैदा कर दलो की। अच्छा एक एक महीना में सब काम हो जाएगा सही ना। हाँ अच्छा ये हमको और चार पांच को और काम आपसे करवाना था, आप दलसिंह सराय कभी भेटाइएगा क्या? दलसिंह सराय जाएंगे कल, हमारे वो है ना भाई रा, रा, राजू है राम लखन मतों घर के बगल में घर बना करके वो हम सिगरेट फैक्ट्री के पास हमारा अपना मकान है। कहाँ? सिगरेट फैक्ट्री है ना, सिगरेट फैक्ट्री के उत्तरबाड़ी भाग में। अरे वहाँ पर कुंदन कुमार में मेरा आदमी है, सिगरेट फैक्ट्री के पीछे में ना। नहीं नहीं सिगरेट फैक्ट्री से उत्तर कुंदन जो मास्टर है। हाँ भाई सिगरेट फैक्ट्री हम देख रहे हैं ना, हम वहाँ बहुत टाइम बीता है। हम आएंगे सिगरेट फैक्ट्री से उतर आएंगे क्या देखो। और हमको और कुछ काम है इसलिए हम बता रहे हैं, कल कौन टाइम में आइएगा सो बता दीजिएगा तो उस टाइम में। नहीं अभी नहीं बताएंगे, सवेरे हम बात कीजिएगा 9-10। अच्छा ठीक है हम सवेरे में बात कर लेंगे आपसे। ठीक जैसे जो चाहिएगा डायरेक्ट चाहिए डायरेक्ट, उसके मार्फत चाहिएगा उसके मार्फत जो जैसे बात हो। ना ना नोकरा कोई दिक्कत नहीं, ठीक रॉन्ग राइट करेबे तो रॉन्ग राइट काम होते, सही काम करे हम ककरो नेगेटिव करल तैयार नहीं रहे। नहीं नहीं बात है कि काम करते हैं, निगेटिव कीजिएगा तो फिर टिकने नहीं टिकने में भी अंतर ना जाता। क्या टिकने? अरे यार सबका निगेटिव है कीजिएगा तो ड्यूटी कैसे कीजिएगा सोन बात है। हमारा की क्या लेते वहाँ मैं ऐसा से बता रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है। उसके बाद भाई भजिया रहो ना, मैं निगेटिव काम कर रही जरा पक्का घोरे घोरे दे रही। हाँ वो तो है, राम लखन काम नहीं वाला तू बोलो ओकर हम रोक लगवा दे, तू कुछ नहीं कह सके छो भाई। नहीं नहीं वो तो देखिए जो नियम है, तू अभी एगो नेगेटिव बात बतिया गलो ना। नहीं हम सब नेगेटिव का मतलब जो है मैंने दूसरे को डिस्टर्ब करने का बात होता है ना, ये बात है। देखिए हम लोग भी हसनपुर ब्लॉक में डीलिंग करते हैं, नहीं समझे आप? अरे हसनपुर ब्लॉक में हमर संजय त्रिपाठी नाम है, पता कर लियो। पर्यवेक्षक संजय दास है, मुकेश कुमार है, दोनों से बात कर लियो। संजय दास जी का फट गया है। आज जितेंद्र सिंह जो है ना पेट्रोल पंप मालिक, ओकरो से हमारा बारे में बात कर लियो। राजकुमार राय के एक नंबर आदमी है। अरे जितेंद्र जी हमारे परम मित्र, जितेंद्र जी जो है ना हमारे परम मित्र में से है। आप मेरे बारे में पूछ लीजिएगा ना। अच्छा वो छोड़िए ना, कल मैंने हम सवेरे में बात करेंगे आपसे। ठीक जो बात डेरा पर बैठ करके होगा आराम से होगा। ठीक है उसके लिए।